और उनका सागर से तो विशेष लगाव है, और सागर से अगर उनको कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आदरणीय राहुल जी टिकट देते हैं तो उससे अच्छा सागर के सौभाग्य के लिए कोई बात नहीं होगी, क्योंकि हमारा सौभाग्य रहेगा अगर चुनाव लड़ेंगे, हम चाहते हैं जरूर लड़ें सागर से। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भारत के टॉप 10 लीडरों में गिने जाते हैं, और हमारे बुंदेलखंड का बहुत बड़ा सौभाग्य रहेगा, हम लोगों के लिए गौरव की बात रहेगी अगर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी सागर से चुनाव लड़ते हैं तो सागर में पूरे समूचे बुंदेलखंड में एक विकास की गंगा बहेगी जिसका कई वर्षों से हम सबको इंतजार है। ये हम लोगों के बहुत बड़े भाग्य की बात है दिग्विजय सिंह जी अगर सागर से लड़ेंगे तो। बिल्कुल लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़ना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और अगर वो सागर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो ये सभी सागरवासियों के लिए, हम सब कांग्रेस जनों के लिए सौभाग्य की बात होगी। और आपके माध्यम से मैं तो उनको आमंत्रित करता हूं कि निश्चित रूप से उनको सागर लोकसभा से ही चुनाव लड़ना चाहिए। कि मेरी अपनी जिम्मेदारी है संगठन के मुखिया होने के नाते, यहाँ जो भी चुनावी तैयारियाँ संगठन की होनी चाहिए वो चुनावी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं, और बहुत प्रसन्नता होगी कि अगर दिग्विजय सिंह जी जैसे कोई बड़ा नेतृत्व यहाँ से चुनाव लड़ने अगर आता है तो हम लोग और दुगने जोश और खरोस के साथ काम करने को तैयार हैं। लड़ना चाहिए बिल्कुल, अगर हमारे राहुल गांधी जी उनको निर्देश देते हैं, जैसा कि दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जिस भी सीट से हो तो वो अगर सागर से चुनाव लड़ते हैं तो पूरे सागर के जनता और कांग्रेसी उनका स्वागत करते हैं, और सागर को एक बहुत बड़ा नेता मिलेगा और सागर का विकास होगा निश्चित ही, और दिग्विजय सिंह भारी बहुमत से जीतेंगे इसमें कोई शक भी नहीं है। बिल्कुल लड़ना चाहिए, और हम समझेंगे कि ये बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि इतने बड़े लीडर, इतने सर्वमान्य लीडर हमारे सागर में आएँ, और मैं समझता हूँ ये सागर के विकास में एक नई ऊर्जा का कार्य करेगा, सागर को विकास के पथ पर आगे ले जाने का कार्य करेगा। आज भी हम जैसे देखते हैं राजगढ़ जैसा क्षेत्र जहाँ पर वह सांसद रहे हैं, वहाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज आईं, काफ़ी रोज़गार आया, और हम तो हमेशा ही चाहेंगे कि ऐसे अच्छे लीडर हमारे सागर में आए जिससे हमारे सागर को रोज़गार मिले, नवयुवकों को रोज़गार मिले और सागर विकास के पथ पर आगे बढ़े। हम लोग के लिए तो बड़ी अच्छी बात होगी कि दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता अगर सागर से चुनाव लड़ते हैं, जिन्होंने सागर को राजघाट जैसी परियोजना दी और जिन्होंने मध्य प्रदेश के लिए इतना काम किया, उनके 10 साल के कार्यकाल में कोई एक भी घोटाला नहीं हुआ, अगर ऐसे व्यक्ति सागर से चुनाव लड़ते हैं तो हम लोगों के लिए तो बड़ी अच्छी बात है। और सारे 8 विधानसभाओं के जितने यूथ कांग्रेस के लोग हैं सारे मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ देंगे। निश्चित ही सागर सीट कठिन है, मगर जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, बुंदेलखंड की कोई भी सीट उन्हें कठिन नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा नेता है जो हर कांग्रेस कार्यकर्ता को बाय नेम जानता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जमीन की पकड़ मध्य प्रदेश में अगर किसी नेता के पास है, बगैर सत्ता के, बगैर अधिकारों के, इतने वाद विवादों के चलते अगर कार्यकर्ताओं का राजा कोई राजा है तो उस राजा का नाम राजा दिग्विजय सिंह है, जैसे प्यार से हम लोग दिग्गी राजा भी कहा करते हैं। और अनवरत हमने देखा है इतनी मेहनत इतना बड़ा नेता करता नहीं है, ना हमारे यहाँ है न विपक्ष में है ऐसा नेता जो इतनी मेहनत कर सके। हमारी शुभकामनाएं हैं, अगर वे चलते हैं तो हम लोगों की बहुत बड़ी भूमिका भी है। आप जिस समझो को फिर दिग्विजय सिंह जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे। यदि पार्टी हाईकमान का आदेश श्रीमान दिग्विजय सिंह जी को होता है तो उनको चुनाव लड़ना चाहिए सागर से। क्यों लड़ना चाहिए? श्रीमान दिग्विजय सिंह जी द्वारा जो उनके मुख्यमंत्री काल में मध्य प्रदेश में जो कार्य किए गए हैं उनको देखते हुए वो किसी भी सीट से सूटे वाले, यदि सागर से आते तो सागरवासियों का ये सौभाग्य है कि वो सागर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सागर के लिए उन्होंने राजघाट परियोजना दी है। सागर में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 2 जिलों के विदिशा के, और सागर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र, सागर के 3 विदिशा के, 5 में से 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रिजर्व्ड हैं। और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए मैं समझता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी द्वारा
उनके मुख्यमंत्री काल में जो कार्य किए गए हैं वो भारत के किसी भी राज्य में किसी नेता द्वारा नहीं किए गए हैं।